हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और पहला पार्ट खत्म हो चुका है और ये है चंडीगढ़ व्लॉग का सेकंड पार्ट। तो चलिए, पहले व्लॉग में हमने आपको घुमाया था रोज गार्डन और वो एक और पार्क था ना। तो अभी हम जा रहे हैं सुखना लेक पे। सुखना लेक पे जाके फिर हम एक और जगह जाएंगे और इस व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे हम एंड में ना, है ना। क्योंकि वो जब हम यहाँ पे चंडीगढ़ आ रहे थे ना, तो रास्ते में ही सोच के आए थे हम कि इस व्लॉग को खत्म कहाँ करेंगे। तो अभी वो सरप्राइज है, मैंने सोच लिया था कि मैं इस व्लॉग को खत्म कहाँ करूंगा। तो चलिए फिर, अभी हम जा रहे हैं सुखना लेक पे। सुखना लेक से बाद में जाएंगे हम, या तो रॉक गार्डन जाएंगे या फिर अभी कुछ भी पता नहीं है हमारा ना। तो चलिए पहले सुखना लेक चलते हैं, वहां जाके घूम के आपको दिखा के सारा कुछ बता के उसके बाद फिर हम सोचते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये देखिए 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है ये, और हम जा रहे हैं अभी पैदल। तो चलिए। तो यार पता क्या, हम इसलिए पैदल जा रहे हैं कि जो ये यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ना जितने भी, ये 3 या 4 किलोमीटर के अंदर अंदर के दायरे में है। तो हमने सोचा कि क्यों पैसे खर्चे है ना, जो पैसे हम किराए पे वेस्ट करेंगे और वो उसका हम कुछ खा पी लेंगे जिससे शरीर में एनर्जी भी आएगी थोड़ी सी। तो वरना किराए के अलग खर्चने पड़ते हमको पैसे, और फिर खाने पीने पे भी लगते। तो इसलिए हम एक जगह के पैसे बचा रहे हैं। तो ये मैंने बात अपने एक व्लॉग में भी बता रखी है ना कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। उसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो पहले चेक करके अच्छी तरह देख के डिटेल निकाल के कि कितनी दूर है तो चलते हैं हम, वरना हम बचाते हैं पैसे जितने हो सकते हैं हमसे। ये देखो इस साइड म्यूजियम आर्ट गैलरी है। फिलहाल अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे, पर आप इसके अंदर भी आ सकते हो। बिल्कुल रोज गार्डन के बिल्कुल सामने वाली गली में ही है ये। तो ये रहा इस साइड म्यूजियम आर्ट गैलरी, और इसके अंदर भी हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यार हम 2-3 जगह का टारगेट बना के आए थे और हम वहीं जाएंगे। तो अगर आप आते हैं यहाँ, ये बिल्कुल रोज गार्डन से बाहर निकलते ही है। तो यार हम खा रहे हैं नान और कढ़ी, और हम बैठे हैं ये पार्क के सामने बैठे हैं हम, देखो। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर खा के फिर मिलते हैं। पेट पूजा तो कर ली, अब सुस्ती आने लग गई। दीपक तो कह रहा यार थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर थोड़ी देर रेस्ट कर भी लिया ना तो सुस्ती ज़्यादा आ जाएगी, फिर बिल्कुल नहीं चला जाएगा। और टाइम हो गया अभी 3:06 हो गए हैं, तो सेकंड व्लॉग हमने शुरुआत कर दिया। अगर थोड़ी देर भी रेस्ट कर दे तो व्लॉग बिल्कुल नहीं बनता। आपके सामने यार कितनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये साइकिल और पैदल चलने के लिए बना रखा है रास्ता, और यहाँ का जो चंडीगढ़ नाम पड़ा है, यहाँ पे इस शहर के चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच में चंडी माता का मंदिर है, और इसीलिए इसको चंडीगढ़ के नाम से इसका नाम दे दिया था। तो और एक खास बात हो रही है यहाँ की कि यहाँ पे ना कितनी भी बारिश पड़ जाए, 1 घंटा 1 दिन 4 दिन यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता। ये मैंने खुद देखा है यहाँ पे, जब मैं गेम करता था पंचकूला आता था ना, तो चंडीगढ़ वाली ट्रेन में आता था, तो बारिश पड़ गई थी एक दिन और बहुत सारा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो गया। तो सिर्फ देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर सारा पानी सड़कों से साफ हो जाता है। तो ये बहुत खास बात है यार यहाँ की, यहाँ कभी भी किसी भी सड़क पर पानी नहीं खड़ा होता, क्योंकि अंडरग्राउंड नाले बना रखे हैं और वो पानी पता नहीं अंदर अंदर कहाँ चला जाता है। और ये बच्चों का खेलने का है एडवेंचर, इसकी टिकट पता नहीं क्या है। तो चलिए फिर, ये है इस साइड सारा फास्ट फूड वगैरह।
और यहाँ पे आप भाई ड्राइंग वगैरह बनवा सकते हो अपनी, स्केच वगैरह। तो गाइज ये हम खड़े हैं सुखना लेक पे, ये पीछे तक दूर तक सारी सुखना लेक ही है, और इसके दूसरी साइड है जो वो पहाड़ है, और ये 1958 में बनाई थी, 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर है ये, और इसमें जो पानी है ना वो बरसाती पानी है सारा। मैं जब मैं बता रहा था ना आपको आते हुए कि यहाँ पे जो बारिश पड़ती है उसका पानी तुरंत से गायब हो जाता है, तो यही रीजन है वो। यहाँ का जो नक्शा बनाया गया है वो इसी डिजाइन का बनाया गया है कि जो भी यहाँ का पानी होता है सारा वो सारा 10 मिनट के अंदर अंदर इस झील के अंदर आ जाता है। तो ये यहाँ की एक खास बात है जो कि यार गंदगी हम फैलाने से भी रोक सकते हैं ना, और ये वजह है कि जो भी बरसाती पानी होता है सारा बारिश का पानी वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, हर दिन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो जैसा मैंने एंट्रेंस होते ही दिखाया यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो चलिए फिर अभी हम वापस जा रहे हैं गेट की तरफ। और यार हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और 3 किलोमीटर हम वहाँ चले, और पहले उसके पहले हमने जो फर्स्ट व्लॉग बनाया था पार्ट वन है ना, पहले वहाँ चले थे हम, और अभी हम वापस जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यार हम आ चुके हैं वहाँ से सुखना लेक से वापस, और सच में यार और हिम्मत नहीं है चलने की, तो इसलिए आज का व्लॉग हम पता कहाँ पे ख़त्म करेंगे। अभी सरप्राइज है यार, देखते चलिए, अगर हमें आते हुए कुछ बंदे मिले थे तो हमने सोचा था कि अभी बताऊंगा नहीं मैं कौन थे, तो मैंने सोचा था कि व्लॉग मैं वहीं जाके ख़त्म करूंगा, तो अगर वो मिलते हैं तो वहीं जाके व्लॉग ख़त्म करेंगे, अगर वो नहीं मिलते हैं तो भी आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए फिर अभी हम बस स्टैंड पे जा रहे हैं दोबारा वापस से। तो यार अभी हम जीरकपुर आ चुके हैं वापस, और अभी यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे व्लॉग ख़त्म करना है, तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अगली सुबह ये व्लॉग बन रहा है क्योंकि हम जब व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आया था तो वहाँ पे वो बंदे मिले नहीं। आपको बता दूँ वहाँ पे डेराबसी का जो फ्लाईओवर है हम जाते हुए हमने देखा था कि वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो झंडे लेके खड़े थे किसानों के, और उन्होंने लिख रखा था कि हॉर्न बजाओ अगर आप किसानों के साथ दे रहे हो। तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाके व्लॉग ख़त्म करूँगा मैं, पर जब हम वहाँ तक पहुँचे तो बहुत रात हो चुकी थी। तो चलिए फिर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।